अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। 96 लाख, समझ रहे हो? आपकी एक पीढ़ी निकल सकती इतना कमाने में। आपकी जो ये सो कॉल्ड फेवरेट सेलिब्रिटीज है ना, जिनको आप लॉर्ड भाई साहब ये वो एक्स वाई जेड, जितने भी इन्फ्लुएंसर सो कॉल्ड यूट्यूबर्स एंड सेलिब्रिटीज, जिनका आप समझ रहे हो कि भाई बहुत रौला है, बहुत कुछ है, वो किस तरीके से आपके आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जरा आपने कभी सोचा है? वो तो अपना 4 लाख 5 लाख 10 लाख में अपना जमीर बेच करके वो गेमिंग प्रमोट करते हैं, गेमिंग एप्लीकेशंस प्रमोट करते हैं, गेमिंग वेबसाइट प्रमोट करते हैं, जस्ट बिकॉज उनकी झोली भर रही है तो वो कुछ भी प्रमोट करते हैं, और आप बेवकूफ बन रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान आपका हो रहा है, आपके बच्चों का हो रहा है, और आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं, आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं तब जाकर के उनकी पॉकेट भर रही है। आप सोचिए, अब ये वीडियो देखिए। बिहार से सर। क्या नाम है बेटा? हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, क्या काम करते हो बेटा? स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, कुछ कहना? यस सर, ये जो ये बोलते हैं कि ऑनलाइन गेम जो है सर, ये जो टीवी पे ऐड आता है हर जगह, इससे सर बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता है सर, बहुत लोग अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। कौन सा ऑनलाइन गेमिंग जो है? यस सर, जो टीवी पे ऐड आता है, जो पैसे कमाने का, जो आज आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए, इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। तुमने खेला क्या ये? यस सर। खेला? यस सर। और कितने? रुको एक मिनट भैया, बेटर को तुमने ये गेम खेला? कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का कर्ज है? मेरी माँ टीचर है सर। तुम्हारी माँ टीचर है? और मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती है, क्योंकि हम डिबेट बंद। बेटा तुमने क्यों खेला? ये नशा है ना? 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं, रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं करता। अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो तो देखने नहीं आएंगे, इसलिए कि तुमने खेला। और उसके बाद इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में ये बच्चा जो जेईई मेंस क्रैक कर चुका था, अपने कॉलेज की फीस को किस तरीके से गेमिंग ऐप में हार जाता है, और इसके ऊपर अभी आज 96 लाख का कर्जा है। 25-30 हजार की नौकरी आप कर रहे हो और आप इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करके उनको इतना बढ़ावा देते हो तो अपनी मनमानी करते हैं और इस तरह के ऐप्स को प्रमोट करते हैं, इस तरह के गेमिंग गैम्बलिंग्स को प्रमोट करते हैं, और आप क्या करते हो? वाह वाह कमेंट कर दिया, बिल्कुल लॉर्ड फलाना डिमा का सिस्टम, फलाना डिमा का। आप अपना वजूद खो रहे हो इनके चक्कर में, अब अपनी चीजें खो रहे हो। आप एक बेहतर समाज नहीं चाहते, इसमें आपकी गलती है। आप गलत लोगों को इन्फ्लुएंसर्स बना रहे हो, आप गलत लोगों को फॉलो कर रहे हो। ये अभी आज इसके साथ हुआ है, न जाने इस तरह की कितनी कहानियां होंगी जो आपके सामने नहीं आ पा रही है, हमारे सामने नहीं आ पा रही है। आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, आप एक वीडियो देखते हो, ट्रोल कर लिया, बस चल दिए। ऐसा चलती है जिंदगी, ऐसे होती है कमाई। इतना आसान होता अगर गैम्बलिंग करके पैसे कमाना तो आपने क्यों नहीं किया, बताइए? या फिर वो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया क्यों ग्रो किया? गैम्बलिंग करके अपनी लाइफ क्यों नहीं ग्रो करी? गेमिंग ऐप से अपनी लाइफ क्यों नहीं ग्रो करी? ये सवाल मैं आपसे नहीं, आप खुद से पूछिए। आप गलत इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपके अंदर एक जरा से भी शर्म बाकी है तो आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट करना बंद करो। ये सारे जो तिल का ताड़ बना रखा है इनका, राई के पहाड़ पे चढ़ा रखा है इन सबको, ये सब आपकी वजह से हुआ है। इसमें आप भी हो, कहीं ना कहीं मैं भी हूं। तो हम सबको ये चीज समझना चाहिए कि भाई हम किनको प्रमोट कर रहे हैं, किनको सपोर्ट कर रहे हैं, किनकी बातों में आ रहे हैं, और किस तरह की चीजें कर रहे हैं वो, कैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो। नहीं सोच रहे ना? मत सोचिए। जिस दिन आपके घर में इस तरह का हो जाएगा, जिस दिन आपके बच्चे आपकी मेहनत की कमाई गंवा चुके होंगे, जिस दिन आपके बच्चे पढ़ाई छोड़कर गैम्बलिंग कर रहे होंगे, उस दिन आपको ये बात याद आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूं। इतने सारे सेंसिबल लोग, सेंसिबल इन्फ्लुएंसर्स जो अपना अच्छा कंटेंट बनाते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से समाज का भला हो जाए, जो उनको फॉलो कर रहे हैं उनकी लाइफ में कुछ बेटर ऐड कर पाए वो, आप उनको ट्रोल करते हो। किन के चक्कर में? इन बेवकूफ जाहिल इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में, जिनको कुछ नहीं पता कि क्या है,
पढ़ाई सो कॉल्ड कर ली है, डिग्री सो कॉल्ड आ गई है, पर इनको ये नहीं पता कि इन्फ्लुएंसर्स होने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप सोचिए इस बात पे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है उसको शेयर करिए, अगर बुरी लगी है तो इट्स योर प्रॉब्लम। आपको जब किसी के गैम्बलिंग प्रमोट करने की बात अगर आपको बुरी नहीं लगती तो मेरी बात क्यों बुरी लग रही है आपको? आपकी लाइफ के जिम्मेदार आप, कोई और नहीं। बाय।